MS Access के इस वीडियो ट्यूटोरियल की सीरीज में आज हम समझने वाले हैं, जैसे ही हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, देखिए जैसे ही हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, आपको फॉर्म हमने बताया कैसे क्रिएट करना है, जो भी टेबल के अंतर्गत आपको फॉर्म बनाना है उस फॉर्म को सिलेक्ट करना है, और जैसे ही आप फॉर्म में क्लिक करेंगे फॉर्म का लेआउट व्यू यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फॉर्म के लेआउट व्यू के अंतर्गत ये तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है फॉर्म व्यू, जहाँ से हम डेटा एंट्री करते हैं वो फॉर्म व्यू कहलाता है। दूसरा है लेआउट व्यू, जहाँ पर जाकर के हम लेआउट चेंज करते हैं। तीसरा है डिज़ाइन व्यू। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ये डिज़ाइन व्यू का यूज़ क्या होता है। तो जैसे हम डिज़ाइन व्यू में क्लिक करेंगे, देखिए फॉर्म हमारा डिज़ाइन व्यू में आ चुका है। फॉर्म के डिज़ाइन व्यू में देखिए मुख्य क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो आप देख सकते हैं फॉर्म में इस तरीके से एक लाइन दिखाई देती है, जिससे हम सारे ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर रख सकते हैं। फॉर्म का हेडर वाला भाग दिखाई देता है, फिर फॉर्म के डिटेल सेक्शन में सारे टेक्स्ट बॉक्स और लेबल हमारे रखे हुए हैं। इसी तरीके से फॉर्म का फुटर वाला भाग दिखाई देता है। तो अभी हम फॉर्म के डिज़ाइन व्यू में हैं। फॉर्म के डिज़ाइन व्यू में हम क्या क्या कर सकते हैं आज हम उसे समझेंगे। तो जैसे ही हम फॉर्म के डिज़ाइन व्यू में आते हैं, हमारे पास एक टैब जुड़ जाती है, जिस टैब का नाम है डिज़ाइन टैब। इस डिज़ाइन टैब का क्या इस्तेमाल होता है वो हम समझेंगे। तो काफ़ी कुछ इस डिज़ाइन टैब का इस्तेमाल, जैसे हमने लेआउट के अंतर्गत समझा था, ये देखिए लेआउट में हमने समझा था, जैसे हम इसके लेआउट व्यू में आते तो हमने इसके बारे में समझा था। ये देखिए फॉर्मेटिंग ऑप्शन, फॉर्मेट टैब आता है, इसके बारे में हमने समझा था। तो जैसे हम फॉर्म के जब हम डिज़ाइन व्यू में होते हैं, तो डिज़ाइन व्यू में भी इस तरीके से लगभग वैसा ही टैब यहाँ पर दिखाई देता है, केवल कुछ ऑप्शन और इसमें नए जुड़ जाते हैं, तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। जैसे कि इसके बारे में आपको मालूम ही है, फॉन्ट बदलते हैं, साइज बदलते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करते हैं, यहाँ से टेक्स्ट को जो भी चीज़ आपने यहाँ सेलेक्ट की हुई है लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए फॉर्मेट प्रिंटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज होता है, यहाँ से इसमें शेडिंग कलर चेंज हो सकता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुकी हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब यहाँ पर चूंकि फॉर्म के डिज़ाइन व्यू में क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम जो है ये अलग अलग कंट्रोल्स को रख सकते हैं। अभी तो जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फॉर्म बना हुआ है, फिर भी यदि हमको कहीं पर लेबल रखना है, कोई जानकारी बताना है यहाँ पर यूज़र को, तो हम लेबल के द्वारा इस तरीके से लेबल भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बटन कंट्रोल रखना है तो हम इस तरीके से देखिए बटन कंट्रोल भी रख सकते हैं। और भी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं जो फॉर्म डिज़ाइनिंग के समय इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी हम रख सकते हैं। आगे चल के इन कंट्रोल्स का इस्तेमाल करके कैसे फॉर्म क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि आप जैसे ही हम फॉर्म के डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो किस तरीके से हम इन सारे कंट्रोल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे कंट्रोल्स आपको जो है, अभी हमने बटन को डिलीट कर दिया है, सारे कंट्रोल्स इस्तेमाल को समझने के पहले हमें देखिए फॉर्म को सिंपल क्रिएट टेबल को सेलेक्ट करके क्रिएट में जा करके जैसे हमने फॉर्म में क्लिक किया, इस तरीके का एक स्टूडेंट का डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद फॉर्म के हम डिज़ाइन व्यू में हैं। फॉर्म के डिज़ाइन व्यू में अभी हम डिज़ाइन टैब के अंतर्गत यहाँ पर एक सिंपल बटन का इस्तेमाल सीख लेते हैं कि ये कुछ बटन्स को इस्तेमाल करके हम कैसे यहाँ पर नेविगेशन बटन बना सकते हैं, जो कि सारे ऑप्शन अभी हम कहाँ से कर रहे थे, ये सारे ऑप्शन नीचे दी गई बटन से सारे ऑप्शन हम इस्तेमाल कर रहे थे। आप देख सकते हैं फॉर्म व्यू से आपको पता चल जाएगा, ये देखिए ये जो बटन दी गई, इसमें क्लिक करके हम नेक्स्ट रिकॉर्ड में आते हैं, इसमें क्लिक करके हम प्रीवियस रिकॉर्ड में आते हैं, इसमें क्लिक करके फर्स्ट रिकॉर्ड में आते हैं, इसमें क्लिक करके लास्ट रिकॉर्ड में आते हैं, इसमें क्लिक करके हम नया ब्लैंक रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। तो यदि हमको ये सारी चीज़ें, यूज़र को तो ये नहीं मालूम कि इस तरीके से यहाँ पर बटन होती हैं, अगर हम ये सारे ऑप्शन को यहाँ पर बटन रख के बनाना चाहते हैं तो कैसे फॉर्म के डिज़ाइन व्यू में हम बटन कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे वो अभी हम सीखेंगे। उसके लिए फॉर्म के आप डिज़ाइन व्यू में चले जाइए। फॉर्म के डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद ये देखिए बटन कंट्रोल दिया गया है, बटन कंट्रोल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके जैसे यहाँ पर रखेंगे, ये देखिए आ गया। आप इस बटन का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड को नेविगेट करना चाहते हैं कि आप नया रिकॉर्ड जोड़ना चाहते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, कि आप फॉर्म को ओपन करने से संबंधित ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं,
कि आप रिपोर्ट से संबंधित ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कि आप किसी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं, कि और भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अभी मान लीजिए हम यहाँ पर बटन कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं रिकॉर्ड नेविगेशन के लिए, तो हमने रिकॉर्ड नेविगेशन में यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए फाइंड नेक्स्ट, मतलब इस बटन में क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट रिकॉर्ड में पहुँचते जाएंगे। तो हमने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट बटन में क्लिक किया। अब यदि आपको सिंबल देना है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर टेक्स्ट भी दे सकते हैं। अभी मान लीजिए हम टेक्स्ट देते हैं ताकि हमको समझ में आए बटन किस लिए बनी हुई है। नेक्स्ट में क्लिक किया, फिनिश कर लिया, हमने फाइंड नेक्स्ट की बटन बना ली। फिर से हमने बटन में क्लिक किया, फिर से हमने एक बटन बनाई फाइंड नेक्स्ट के बाद फाइंड रिकॉर्ड, यहाँ से हम रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं। फिर से हमने यहाँ पर टेक्स्ट के लिए बना दिया नेक्स्ट फिनिश। तो यहाँ पर किसी आईडी के थ्रू, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है, आईडी के थ्रू हम रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं। इसी तरीके से अगली हमने बटन बनाई और गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए हमने बना दी। मान लीजिए इस बार हम पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी हो गई जो है गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए फिर से अभी हमने यहाँ पर एक बटन बनाई गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड के बाद गो टू लास्ट रिकॉर्ड, ये लास्ट रिकॉर्ड के लिए हमने बटन बना दी। ये देखिए लास्ट रिकॉर्ड के लिए हमारी बटन बन गई, ये हमारी फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए बटन बन चुकी है। और उसके बाद जो हमने बटन बनाई है वो लास्ट रिकॉर्ड के लिए, फिर हम एक बटन बनाते हैं, ये देखिए इस तरीके से बटन रखते हैं। और इस बार हम फर्स्ट रिकॉर्ड लास्ट रिकॉर्ड के लिए हो गया, नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाने के लिए हमने बटन बना दी। मान लीजिए ये देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए हमने बटन बना दी और इस बटन को हम यहाँ पर रख लेते हैं, ये नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए हमारी बटन बन गई है। और यदि प्रीवियस रिकॉर्ड में जाने के लिए बटन बनाना है तो यहाँ से हम गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए भी बटन बना सकते हैं। ये देखिए प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए हमने यहाँ पर बटन बना दी, ये सारी नेविगेशन बटन हमने यहाँ पर बना दी है। अब यदि इन बटन का आपको यूज़ देखना है तो उसके लिए फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म व्यू में क्लिक करेंगे, ये देखिए सारी बटन आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यू डिड नॉट स्पेसिफाई सर्च क्राइटेरिया विद इन अ फाइंड रिकॉर्ड, इससे आप रिकॉर्ड ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको किस रिकॉर्ड में जाना है, स्टूडेंट आईडी के अनुसार हमको जाना था मान लीजिए 5004 वाले में। जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए डायरेक्ट हम 504 वाले रिकॉर्ड में पहुँच गए हैं। इससे हम ये लास्ट रिकॉर्ड में पहुँच जाते हैं, इससे हम फर्स्ट रिकॉर्ड में जाते हैं, इससे रिकॉर्ड नेविगेट कर सकते हैं, इससे हम में पहुंचते जा रहे हैं, इससे रिकॉर्ड ये देखिए प्रीवियस रिकॉर्ड में आते जा रहे हैं। ये इस तरीके की जो हमने यहाँ पर नेविगेशनल बटन्स बनाई हैं वो सभी किसके अंतर्गत आकर के बनाई, हमने डिजाइन व्यू के अंतर्गत आकर के बनाई। और भी आप बटन बना सकते हैं, जैसे रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए हमने रखा और रिकॉर्ड ऑपरेशन में आई, देखिए एड न्यू रिकॉर्ड, नई रिकॉर्ड के लिए आप यहाँ पर बटन बना सकते हैं, ये नई रिकॉर्ड के लिए बटन हो गया। इसी प्रकार से यदि हमको रिकॉर्ड ऑपरेशन में बनाना है, रिकॉर्ड ऑपरेशन में यदि हमको रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए बटन बनाना है, देखिए रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए बटन हो गया। यहाँ से आएंगे फॉर्म व्यू में आएंगे, देखिए ये ब्लैंक हो गया, यहाँ से नया रिकॉर्ड हम इनपुट कर सकते हैं। रिकॉर्ड को डिलीट करना, यहाँ से हम रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारे रिफ्लेक्शन जो हैं वो टेबल में जा कर के भी हो रहे हैं, ये सारे जो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं वो टेबल में जा कर के हो रहे हैं। तो ये इस तरीके से बटन जो हमने बनाई हैं वो सभी कुछ किस में आकर के बनाई, डिज़ाइन व्यू में। तो यहाँ पर हमने सीखा कि फॉर्म में जब हम ये डिज़ाइन व्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से इन कंट्रोल का इस्तेमाल करके, मेनली अभी हमने यहाँ पे बटन कंट्रोल का इस्तेमाल करके, और किस तरीके से अपने फॉर्म में कुछ नेविगेशनल बटन्स को जोड़ेंगे उसके बारे में सीखा।